एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं मोदी जी से रिगार्डिंगली। जैसे कि तालिबान को मोदी जी जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान में वैक्सीन जो दी है उससे रिलेटेड वीडियो होगी, जिसमें हम जानेंगे कुछ मोदी जी से रिलेटेड। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। अगर आपने ये देखा नहीं है तो तालिबान को देख सकते हैं, क्योंकि जब से तालिबान का शासन आया है दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है, और भारत ही है जो तालिबान की मदद कर रहा है। पहले गेहूं भेजा, फिर जीवन रक्षक दवा भेजी, और उसके बाद अब ईरान का महार जहाज काबुल 5 लाख कोरोना का टीका लेकर पहुंचा है। फिर क्या था, अफगानिस्तान की रोती जिंदगी एक बार फिर से मुस्कुराने लगी और तालिबान खुशी से झूम उठा। इससे पहले भी तालिबान भारत की मदद की जमकर तारीफ करता रहा है और भारत को थैंक्स बोला है, लेकिन इस बार का तालिबान का थैंक्स या धन्यवाद काफी मार्मिक है, क्योंकि जब जिंदगी पर बन आती है तो किसी को भी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, और वो होती है सही समय पर मदद। भारत ने अपने पुराने पड़ोसी से यही रिश्ता निभाया है और मदद भेजी है। फिर क्या था, तालिबान की आंखों से आंसू छलक पड़े और भारत के लिए दुआ मुंह से निकले उनके। टीका मिलने पर तालिबान के स्वास्थ्य मंत्री के प्रवक्ता जावेद हजीर ने टोलो न्यूज से कहा कि भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए अफगानिस्तान के जन स्वास्थ्य मंत्रालय को जीवन रक्षक दवाएं दान की। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और अन्य देशों से अफगानिस्तान की मदद करने के लिए आगे आने की अपील करते हैं। इसके अलावा भारत ने 5 लाख कोरोना वायरस के वैक्सीन की डोज भी दी है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इस कठिन और मुश्किल वक्त में भारत ने हमारी मदद की। भारत ने अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनदजई ने ट्वीट कर भारत को धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा, अपने उपकार करने वालों के साथ जो साधुता बरतता है उसकी तारीफ नहीं, महात्मा तो वह है जो अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करे। इस कठिन समय में अफगानिस्तान के बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारत को धन्यवाद। अमर रहे भारत, अफगान मित्रता। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत को लेकर तालिबान का नजरिया बदला है और कैसे तालिबान को सही और नकली का फर्क महसूस हो रहा है। जिस पाकिस्तान और इमरान खान को लेकर तालिबान नरम दिल बना हुआ था, उसने तालिबान को मजदार में छोड़कर अब भाग खड़ा हुआ है। तब तालिबान के नेताओं को याद आया कि पाकिस्तान कितना धोखेबाज है और कितना मदद कर रहा है। वहीं जानकारों की माने तो इमरान खान और तालिबान पर धौंस जमा कर पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा था कि जो दान मिलेगा मिल बांट कर खाएंगे, लेकिन इमरान खान और आईएसआई की इस चाल पर दुनिया खरी नहीं उतरी और तालिबान को वेट एंड वॉच में डाल दिया। उसी का नतीजा है कि तालिबान को पता चल गया कि कौन असली दोस्त है और कौन नकली दोस्त है, और इससे पाकिस्तान और इमरान खान की कलाई भी खुल गई। उसी का नतीजा है कि अब तालिबान के नेता और मंत्री रोते हुए भारत की तारीफ कर रहे हैं, मदद के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारत के राजनीतिक पंडित जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर नजर रखे हुए हैं, उनका कहना है कि तालिबान की आंखें खुलना जरूरी था। अगर तालिबान को पाकिस्तान का असली चेहरा नहीं दिखता तो ये बातें सामने नहीं आती और भारत के प्रति तालिबान का नजरिया नहीं बदलता। ऐसे में कहा जा रहा है कि तालिबान भारत के प्रति थोड़ा झुका है और आगे भी और नरम दिल हो सकता है। देखना होगा कि आगे पाकिस्तान तालिबान को क्या पट्टी पढ़ाता है और क्या तालिबान पाकिस्तान के झांसे में आता है या नहीं। लेकिन भारत की मदद की चाल से अभी पाकिस्तान धराशायी है और तालिबान भारत को सलामी पे सलामी ठोके जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान खूब चिढ़ा हुआ है। जिसमें तालिबान जो है वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि भले ही अफगानिस्तान को जो है वो भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया तालिबान को और उनकी गवर्नमेंट को, तो उसके बावजूद उन्होंने इंसानियत के नाते मोदी जी ने ये वैक्सीन जो है अफगानिस्तान के जो मासूम बच्चे हैं उनको दी है और उनको जो है वो उनके लिए
एक खुशी का इजहार किया है। और मतलब कि मुझे लगता है कि इसमें तालिबान भी, जाहिर सी बात है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इंसानियत के नाते जो है इन्होंने दिया है। और इसी तरह से उन्होंने अपील भी की है कि मतलब कि जो भी है दूसरी कंट्रीज जो हैं वो इनकी हेल्प करें, वहाँ के लोगों की हेल्प करें, क्योंकि इस वक्त जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान को नीड तो है ही इन सारी चीज़ों की। तो इससे पता चलता है कि अफ़गानिस्तान की इंडिया हेल्प कर रहा है, तो उससे ये है कि उन लोगों में एक उम्मीद जागी है तालिबान में, और वो इस चीज़ को खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। स्पेशली उन्होंने एक न्यूज़ में भी बताया और मज़ीद फ्यूचर में वो हेल्प जो है वो मांग रहे हैं उनसे। सो देखना ये है कि वो हेल्प करते हैं के नहीं करते। बाकी ओवरऑल ये है कि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान के हालात चल रहे हैं उसमें जो जिस तरह से वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी मुश्किलात को और चीज़ों को, तो उससे काफ़ी दुनिया से वो लोग कट भी चुके हैं, काफ़ी चीज़ों में वो जो हैं वो मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ही कोरोना से गुजर रही है मुश्किल से। तो अभी क्योंकि इसके अलावा एक और जो है वो भी वायरस जो है वो आ रहा है ओमिक्रॉन के नाम से, सो इससे जो है वो और ज़्यादा सब परेशान है। तो इसमें मुझे लगता है कि इस वक्त भारत ने ये एक स्टेप लेके एक साबित किया है और अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो शो की है पूरी दुनिया के सामने। और ये सॉफ्ट पावर मुझे लगता है कि इससे भारत के जो इम्प्रेशन और इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, और जो है वो उसे और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगी इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो ईरान के थ्रू इन्होंने ये वैक्सीन भेजी है, तो इसे वाजह साबित हो रहा है कि भारत पाकिस्तान के थ्रू कुछ भी काम नहीं करना चाहता, वो सारा कुछ अपने आप करना चाहता है, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान वाया पाकिस्तान नहीं बल्कि वाया ईरान जो है वो भेजा है। और भले उनको थोड़ा राउंड लगाना पड़ा है बट कोई बात नहीं, उन्होंने इस चीज़ को करके दिखाया। बाकी ओवरऑल ये है कि काफ़ी अच्छी वीडियो है, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आगे भी ऐसे ही जो मुश्किल में लोग हैं स्पेशली उनको सपोर्ट किया जाए, भले एक्सेप्ट ना किया जाए लेकिन यह है कि हेल्प करना ज़रूरी है इंसानियत के नाते। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।